नहीं से गंगा साफ होगी, जिसे करनी से साफ होगा, हर इंसान से स्वच्छ रखेगा सब होगा। देख रहे हो आप, मतलब कितना ज्यादा गंदा फैला रखा है गंगा जी की, ये हालत है, कितना गंदा पानी हो रखा है सारा। मुझे लगता है सारा वेस्ट कचरा ना यही डालते हैं, ये देखो ये इतनी गंदगी फैला रखी है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग एंड आई एम यू एंकी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और वेदर अपडेट कुछ इस तरह से, यार धूप बड़ी मस्त आ रही है और सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, घर के बगल में एक और घर है तो वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, इससे साउंड आ रही होगी, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आज मैं जाने वाली हूँ ऋषिकेश, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह डन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी वगैरह होती हूँ और व्लॉग में पूरे बने रहना, काफ़ी खास होने वाला है आज का व्लॉग। बस मैं आपको दिखा दे रहूँगी और आप पूरा व्लॉग में देखना जरूर, ठीक है गाइज। सो गाइज, हम आ गए हैं ऋषिकेश और हर बार की तरह मैंने आपको बताया था, जब भी मैं ऋषिकेश आती हूँ तो मैं त्रिवेणी घाट जरूर आती हूँ और आज मुझे त्रिवेणी घाट में काफी साफ सफाई लग रही है यार। बट हाँ, ये तो आगे आगे साफ सुथरा रखा है, आगे जाके मैं दिखाती हूँ आपको क्या हाल रहता है और क्या क्या करते हैं लोग यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हो, मतलब पूरा घाट वाट साफ कर रखा है। अभी मैं जैसे जैसे पीछे आऊंगी ना, उधर उधर मैं आपको अपनी गंगा जी की हालत दिखाऊंगी। यहाँ पे ना बोटिंग भी होती है, जो की अंकल इस बोट पे पेंट कर रहे हैं, तो वो बोट बहुत बढ़िया और बहुत ही ज्यादा प्यार लग रही है। और आप पानी देखो यार, कितना गंदा हो रखा है। मैंने आपको बताया था ना कि अभी गंगा जी मुझे आगे आगे से साफ सुथरी लग रही है। और यहाँ पे देखो आप गंगा जी के इतने बुरे हाल यार, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो देख रहे हो आप, मतलब कितना ज्यादा गंदा फैला रखा है गंगा जी में। और यही गंगा माँ कहते हैं ना कि कलयुग में इसमें अगर किसी ने एक बार ही नहा लिया ना तो ये सारे पाप खत्म कर देती है। आज गंगा जी की ये हालत है, ये दशा हो रखी है गंगा जी की। और पानी देख रहे हैं आप, कितना गंदा पानी हो रखा है। ये किसी ने नहीं, ये सारी हमारी गलती है, हम लोगों की वजह से ना ये आज ऐसी हो रखी है गंगा जी। और देखो जरा कितना बुरा हाल हो रखा है गंगा जी का। ये मैं इसलिए ही नहीं दिखा रही हूँ कि मुझे ऐसा फेम है, ये एक सबक है सबके लिए, क्योंकि मैं भी ऋषिकेश में रहती हूँ और मेरे जैसे और लोग भी ऋषिकेश में रहते हैं, जो कि यहाँ पे आते हैं गंगा जी को गंदा करते हैं। कहने के लिए तो बड़ी बड़े बातें होती है कि गंगा का पानी ले आना है घर में सुख शांति। अरे आप लोगों को कैसे सुख शांति मिलेगी जब तक आप खुद गंगा जी को साफ सुथरा नहीं रखोगे। पावन गंगा जो दुनिया के पाप हर रही है, पाप तार रही है, उसको आप इतना गंदा बना रहे हो। इतने अच्छे शहर में रहते हो, ऋषिकेश जैसी जगह में रहते हो यार, तो आओ यहाँ पे साफ सुथरा रखो गंगा जी को। इतना गंदा क्यों यार, क्या मिलता है ये गंदगी फैला के? कुछ नहीं होगा, उल्टा आप खुद का भी नुकसान करेंगे और जी जी से गंगा जुड़ी है उन जीव जंतु को भी काफी दिक्कतें होंगी हम लोगों की वजह से। प्लीज गंगा माँ को साफ सुथरा रखो और ऐसे गंदे ना करो। देखो जैसे मैं हर जगह में देख रही हूँ, साफ रखो गंगा को, पावन रखो। गंगा बनी साफ रखने के लिए, आप अपना नेचर साफ रखेंगे तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे। सच बताओ तो ना, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी हैं और मैं तो रियल कहती हूँ जो है वो है, और आश्रम की वजह से ना मुझे लगता है यहाँ पे गंदा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आश्रम वालों ने ही साफ सुथरा नहीं रख रखा है। देखो जरा वो देखो, मतलब अपने आसपास का माहौल भी बिल्कुल साफ नहीं रख रखा, आश्रम वगैरह है जो भी है, बट एटलीस्ट तुम गंगा जी के बगल में तो साफ सुथरा रखो। आपसे गंदा एरिया ना ये पीछे वाला है, पता है त्रिवेणी घाट का, सबने आगे आगे से देखा है बट ये साइड का एरिया किसी ने नहीं देखा। ये एरिया सबसे ज़्यादा गंदा एरिया है और यहाँ पे गंगा जी मतलब बहुत पीछे से उधर देख रहे होंगे आप, बट यहाँ देख रहे हो कितनी गंदगी है फैला के आगे सारा। मुझे लगता है सारा वेस्ट कचरा ना यही डालते हैं, ये देखो मतलब कितना गंदा डस्टी डस्ट कर रखा है। मरीन ड्राइव जो कि पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सब घूमने आते हैं गंगा जी के बगल में, इतनी गंदगी फैला रखी है। एंड गाइस, तो अभी हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट के मरीन ड्राइव में और मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ मरीन ड्राइव में। त्रिवेणी घाट तो आती जाती रहती हूँ जब भी ऋषिकेश जाती हूँ, बट मरीन ड्राइव बहुत टाइम बाद आ रही हूँ और यहाँ पे भी बहुत बुरी हालत हो रखी है। पीछे बहुत गंदा था, बहुत गंदा वेस्ट था। और यहाँ से देखो आप एक बार गंगा जी, ये देखो दिख रहा है आपको, और वो सामने है त्रिवेणी घाट, वो जहाँ पे रेड शेड है ना वो त्रिवेणी घाट है। और ये पूरा गंगा जी, आजकल पानी भी कम हो रखे है। और ये देखो जरा पूरा डस्ट मिट्टी वगैरह, गंगा जी के तो बहुत बुरे हाल है। मेरे को नहीं लगता यार गंगा जी ना साफ हो पाएगी, क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक गंगा जी साफ नहीं होगी, और कोई जागरूक होना नहीं चाहता और कोई साफ सुथरा करना नहीं चाहता। अभी मैं आ गई हूँ गंगा जी के तट पे, मतलब एकदम किनारे पे, और आप ये सूर्य की रोशनी देख रहे हो, सूर्य का प्रकाश देखो कैसे एक स्ट्रेट लाइन के तरह आ रहा है। ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, बट देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप गंगा जी का बहाव देख सकते हो यार, कितना तेज बहाव है। अब पानी देखो आप किस तरह से बह रहा है। हम भी यही रहते हैं, साल साल का हमें तो अच्छा ही लगता है। गर्मी में कहीं रहे, गर्मी में उत्तराखंड में आ जाए। हाँ जी,
ठंडी में जब साथ में सही हूँ, गर्मी में 25 साल से कहीं अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा याद आता है। तो आप कहाँ से हैं बाबा जी? वृंदावन से। तो आप वृंदावन भी जाते होंगे? अच्छा, तो आपका क्या कहना है, मतलब आजकल लोग जैसे के लोग कहते हैं कि गंगा जी में कि पाप हल लेती है एक डुबकी लगा देते हैं, और लोग खुद ही गंगा जी को इतना प्रदूषित कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? जिस कह रहे हैं कि गंगा का संरक्षण करते हैं वो खुद प्रदूषण कर रहे हैं। अगर कहने से गंगा साफ होगी, इसे कर नहीं साफ होगा, हर इंसान से स्वच्छ रखेगा तब होगा। यहाँ तो चिल्ला रहे हैं कि हाँ भाई स्वच्छ रखो, पीछे अपनी गंदगी कर रहे हैं, पहले तो सब अच्छा है, अगर उस पर नियम बनाए जाए तो थोड़ी भी एक घाट है यहीं पे स्वच्छ गंगा गंगा तो थोड़ी निर्मल रहनी चाहिए जहाँ तक जा रही है ना। अब जो लोग खाली घाट है वहीं तक निर्मल कर रहे हैं, बाकी जो गंदगी तो वही हो रही है, पब्लिक है कहाँ जाएगी, अब जैसी गंदगी वो तो आ ही रही है पूरी, तब से पता चल रहा है कि गंगा में आ रही है, आप गुजरात से लेकर यहाँ तक सब नाली गिरी तो आ रहे हैं। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को परेशान करते हो? नहीं, बाबा वगैरह लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ऐसा वगैरह बाबा बने बैठे हैं, कहीं भी देख लो ऊपर नीचे जितने बैठे हैं सब गृहस्थ में, पैसा में सब बहुत दम है, पैसे सब दब जाते हैं, गरीब शादी है इसको लाली कहीं खाने फकीरी फकीरी नहीं रह गया। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो पैसा वालों को बदला हो, कौन सी गाड़ी में चलना है, कौन सी कमी कम रहना, उन लोगों को बदलाव चाहिए, परंतु तो कहीं भी दो बज जाएगा काम चल जाता है, वहीं चल जाना बीच पर काम हो जाते हैं, तो वाला है नीचे धरती में आता है, हमें कोई इच्छा नहीं है किसी की, हमें जितना मिल रहा है उसमें कोई देवी नहीं मिला, कभी कुछ। तो आप यहीं पर ही रहते? नहीं, वृंदावन चले जाऊंगा। अच्छा, वृंदावन जाएंगे अभी हम। ठीक है बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप जा भी रहे बड़े क्रिश्चियन हैं, आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, और बात दुआ परमेश्वर आपके साथ रहे, गंगे मैया की जय। जय भोले बाबा। आपने देखा होगा मैं जो वो पीछे मंदिर है वहाँ से नीचे गई थी, गंगा जी के किनारे एक बाबा जी देखे, तो मैं उनसे कुछ पूछने लग गई, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जो बात सत्य है सत्य है, वो उन्होंने सच बात कही है, बहुत बढ़िया उनका प्रस्ताव था, उनका कहना भी सही है। आगे जो दावे करते वो बड़े बड़े दावे होते हैं, वो बस थोड़ी बहुत जगह पे कर लिया और हो गया जी काम। आखिर में इस वीडियो से जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगी, इस वीडियो से लेके मेरा यह उद्देश्य है कि कभी भी आप किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक स्थल ही नहीं, कहीं भी जाए साफ सुथरी या कोई भी बहुत प्यारी जगह पे, साफ सफाई का खास ध्यान रखें, गंदगी बिल्कुल ना करें, और जो भी आप लेके चलते हैं अपने साथ उसको कृपया करके अपने या तो बैग में डालें, डस्टबिन में डालिएगा प्लीज़, ठीक है। तो मेरा यही आपसे सबसे विनती, स्वच्छ रखें, साफ रखें भारत को हमारे, ठीक है, और गंगा जी को खासकर। यू गाइज लाइक द व्लॉग, और मिलते रहेंगे ऐसे नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।